नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से जोर शोर से आप लोग अपनी तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, बस विज्ञापन जारी होना बाकी है। तो जो लोग नहीं जुटे हैं वो जोर शोर से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम है आपकी आरएएस प्रीलिम्स के लिए वो आपके पास बहुत ही कम बचने वाला है। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं हमारे जनरल साइंस के केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, वो है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायन। बहुत ही जनरल सा, बहुत ही सामान्य सा ये टॉपिक है। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनमें कुछ जो हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, जो कुछ रासायनिक पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो दैनिक जीवन से संबंधित जो व्यवहारिक चीजें हैं, इनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो प्रीलिम्स में ही नहीं मेंस में भी पूछे जाने की संभावना काफी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायन, यानी डेली लाइफ में यूजफुल जो कुछ केमिकल्स हैं उनकी आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं औषधि यानी कि मेडिसिन, ठीक है, बाइंडर्स, कृत्रिम मधुरक यानी स्वीटनर्स, खाद्य परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, ठीक है, और आपका बफर। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी यही दिए देती हूँ, बाकी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे, ठीक है। तो औषधि यानी मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो हम लोग हमारे डेली लाइफ में, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी ना किसी प्रकार की मेडिसिन्स का यूज डेली करता है। कोई पेन किलर्स खा रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई डेली जो है एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहा है, कोई स्लिपिंग पिल्स यूज कर रहा है, नींद नहीं आने की बीमारी जिसको है इंसोम्निया उसके लिए। तो डेली लाइफ में मेडिसिन जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ आज के टाइम में बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो बाइंडर्स की। देखिए बाइंडर्स क्या होता है, एक तो टैबलेट होती है जो एक ही काम करती है, जैसे सरदर्द की गोली है सैराडोन आपने खाई, वो एक ही काम करेगी आपका सरदर्द ठीक करेगी। एक आपकी ऐसी टैबलेट है जिसके अंदर आपके पेन किलर वाला केमिकल भी है, साथ में फीवर कम करने वाला यानी पैरासिटामोल वाला केमिकल भी उसके अंदर है, ठीक है। तो वो आपके दो काम कर रही है। इसके अलावा भी उसमें कुछ एंटीहिस्टामिन वगैरह डाला जा सकता है जो कि एलर्जी को रोक दे। तो ऐसा जो एक कॉम्बो होता है टैबलेट, एक कॉम्बो टैबलेट होती है जिसमें एक से ज्यादा केमिकल्स होते हैं या गुण होते हैं, उनको जो बांधने वाली चीज है दैट इज नोन एज बाइंडर्स, ठीक है। कृत्रिम मधुरक स्वीटनर्स क्या होते हैं, देखिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको सिंपल जो शुगर होती है, चीनी होती है, वो लोग नहीं ले सकते, लेकिन उनका क्योंकि मीठा खाने का मन होता है तो ऐसे स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐसे बनाए गए हैं जिनसे क्या है उनका शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, उनकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज नहीं जाएगा लेकिन खाने में मिठास उतनी ही उनको मिलेगी। तो वो होते हैं आपके स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। खाद्य परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स, इनकी हम बात करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे चिप्स का। चिप्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि चिप्स के अंदर जो ऑयल होते हैं उनका जो है वो विकृत गंधिता को रोकने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस उसमें क्या हो गई, एक तरह की प्रिजर्वेटिव हो गई। क्या हो गई, प्रिजर्वेटिव हो गई। आप अपने डेली लाइफ में, अपने घर में आपकी मदर्स को, आपकी ग्रैंड मदर्स को आप जो है ये अचार मुरब्बा वगैरह बनाते हुए आप लोग देखते होंगे, तो अचार के अंदर जो तेल डाला जाता है, जो नमक डाला जाता है, वो इसीलिए डाला जाता है कि वो उसको प्रिजर्व कर सके, वो उसको सड़ने से बचा सके, उसके अंदर जो है बैक्टीरियाज को ना उत्पन्न होने दे। बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे तो ऑब्वियसली वो सड़ेगा, तो उसको सड़ने से रोकता है, तो वो भी एक तरह से किसका काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो ये इंट्रो हो गया आपके प्रिजर्वेटिव्स का। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसका सीधा सीधा मैं बताऊं कि ये एक ऐसी चीज होती है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है वो आकर के कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम कर जाएगा, वो खुद अप्रभावित रहेगा लेकिन उन दोनों की जो लड़ाई थी उसको वो युद्ध स्तर पे पहुंचा देगा, उसको हम कहेंगे उत्प्रेरक। इसको डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। बफर क्या होता है, बफर देखिए ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी पीएच फिक्स होती है, उसके अंदर आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ उसकी पीएच पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक सॉल्यूशन होता है ऑफ फिक्स पीएच वैल्यू, ठीक है, तो ये प्रभावित नहीं होता है। इन सब के बारे में डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप याद रखिए कि इनमें से एक या एक क्वेश्चन तो जरूर आपके प्रीलिम्स में भी आने ही वाला है आज के टॉपिक में से।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं औषधि की। औषधियां एंजाइम सबस्ट्रेट सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मेडिसिन्स जो भी होती हैं आपकी, वो एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी पर काम करती हैं। ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी नहीं है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट सिद्धांत एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको लीव दैट। औषधियों के प्रकार, सबसे पहला जो है, जो कॉमनली यूज होती है डे टू डे लाइफ में ना, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटासिड। एंटासिड जो होती है, एंटासिड जो टैबलेट होती है, वो एंटा एसिड, ठीक है, जो एसिड के असर को खत्म कर दे। तो ये हमारे स्टमक की जो एसिडिटी है, अम्लीयता है, उसको खत्म करने का काम करती है। देखिए, आप लोगों में से अधिकांश लोग जो है उनको पता होगा कि हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो है एक एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl की मात्रा, इस HCl का लेवल किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू फास्टिंग और ड्यू टू ओवर ईटिंग और ड्यू टू ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी कारण से जो एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे पेट में जलन होने लग जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, दैट इज नोन एज एसिडिटी। उसको कहते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो उस एसिडिटी के अंदर एंटासिड यूज किया जाता है। ये एंटासिड क्या करता है, जैसे ये एंटासिड टैबलेट आपके अंदर जाएगी, वो एंटासिड जा करके उस एसिडिटी को क्या कर देगा, उसके पीएच लेवल को घटा देगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर की होती है। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो ये बेसिक नेचर की होती है, तो उस एसिडिटी को ये क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी, और आपको वो जो एसिडिटी का इश्यू, जो पेट में जलन की समस्या हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें मेडिसिन की, तो वो है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन जो होती है, वो अभी जो समय चल रहा है, जिस समय, जिस जनरेशन को हम अभी ग्रो होता देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एंटी हिस्टामिन यूज करने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि कोई भी जो ग्रोइंग चाइल्ड है, हर घर में ये प्रॉब्लम है, किसी ना किसी तरह की एलर्जी का वो शिकार है। किसी को मिट्टी से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को खाने में ही किसी चीज से एलर्जी है, तो किसी ना किसी प्रकार की वो एलर्जी का शिकार है। उस एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए ये जो मेडिसिन यूज में लेते हैं, इनको कहते हैं एंटी हिस्टामिन। इसका सामान्य एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, अपने घरों में जो एविल यूज करते हैं, कि कुछ भी हो गया, एलर्जी हो गया, अचानक से ऐसे बॉडी के ऊपर कुछ भी रिएक्शन दिखा, तो हमने क्या खाली, एविल खा ली, वो उसको कंट्रोल कर लेगी। तो वो एविल आप याद रखिएगा क्या है, एंटी हिस्टामिन है। दूसरी है आपके प्रशांतक, यानी एंटी डिप्रेसेंट। प्रशांतक को हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ये जो पीरियड चल रहा है आफ्टर कोविड, ठीक है, इसमें लोगों ने बहुत तरह के स्ट्रगल्स देखे हैं, तो मैं कहूंगी कि इस पोस्ट कोविड वाले टाइम में जो लोग कोविड का शिकार हुए, वो उस बीमारी की वजह से, उस बीमारी का जो डर था, टेंशन थी, खतरा था, उसकी वजह से, और उसकी, उस बंदे की जो फैमिली है, वो उस टेंशन से कि उस बंदे का होने वाला क्या है, या कई लोग जिनके रोजगार खत्म हो गए इस महामारी के दौरान, या ड्यू टू एनी रीजंस, किसी भी कारण से वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो ये जो केसेस है, मैं कहूंगी कि इन इस टाइम पीरियड में इंक्रीज हुए हैं बहुत बड़े, और इन दिनों में ये जो दवाइयां हैं, इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं, एंटी एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती है, वो क्या करती है, वो आपके माइंड में, आपकी जो नर्व्स होती हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको रिलैक्स करती हैं। ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती हैं जो उनको रिलैक्स करते हैं, और वो माइंड जो होता है, वो एक तरह से हम कहें कि हाफ एक्टिव पोजीशन में आ जाता है, एक इनएक्टिव प्रोसेस उसमें शुरू हो जाता है, जिसमें दिमाग जो है, ये नहीं कहेंगे कि काम करना बंद कर देता है, वो उतना सक्रिय नहीं रहता जितना एक नॉर्मल पोजिशन में रहता है। तो वो उसको रिलैक्स मिलता है, माइंड को रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से ये जो डिप्रेशन, ज्यादा सोचने से जो जो डिप्रेशन हुआ, ज्यादा टेंशन करने से जो डिप्रेशन हुआ, वो धीरे 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 करके, ये नहीं कि एक दिन में, ये लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है, कम से कम 3 महीने 2 महीने का कोर्स चलता है, तब जाकर के ये दवाइयां पूरा असर करती हैं। तो ये एंटी डिप्रेसेंट आपके हो गए। नेक्स्ट है आपके पीड़ाहारी, या इनको हम कहें पेन किलर्स। इनसे सब परिचित हैं, पेन किलर्स कोई ना कोई घर में खाता ही रहता है। किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया, किसी को बॉडी पेन हो रहा है, कुछ भी है, तो ये पेन किलर्स तो लोग खाते ही रहते हैं। ये बॉडी में किसी भी तरह का एक्को, बॉडी एक्को ये खत्म करता है, बॉडी एक्को ये खत्म करता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल है जैसे
एस्पिरिन और पैरासिटामोल। देखिए पैरासिटामोल जो है वो वैसे बेसिकली जो होता है पैरासिटामोल सोल्ट, वो फीवर के लिए होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए होता है, लेकिन उसमें ये पेन किलर भी शामिल होता है, तो ये बॉडी के पेन को भी ठीक करने में, रिलीफ देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो वो है आपके एंटीबायोटिक्स। देखिए इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एंटीबायोटिक्स किसके एंटी हैं, ये बायोटिक्स के, बायोटिक्स का मतलब है बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक दें, बैक्टीरियाज को ग्रोथ ग्रो करने से रोक दें, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जो रोक दें वो होते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। मेनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में यूज की जाती हैं, ठीक है, ये होती हैं आपकी एंटीबायोटिक। देखिए आपको किसी भी तरह का वायरल बुखार होता है तो उसमें आपको एक फीवर, एक पैरासिटामोल दी जाती है जो आपके बॉडी पेन और आपके फीवर को कंट्रोल करती है, साथ में एक एंटीबायोटिक भी दी जाती है, वो क्या करती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक देखिए, एंटीसेप्टिक, सेप्टिक का मतलब क्या होता है, सेप्टिक का मतलब होता है पस फॉर्मेशन कह लें या ग्रोइंग ऑफ एनी इन्फेक्शन कह लें। सेप्सिस को हम जानते हैं पस फॉर्मेशन से, किससे जानते हैं, पस फॉर्मेशन से, और पस क्या होती है, इसको साधारण भाषा में हम कहते हैं मवाद, है ना। तो सेप्सिस का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन कब होगा, जब किसी तरह का इन्फेक्शन होगा। तो ये एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, किसी तरह की जो चोट लगी हुई रहती है उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं, जिससे ये क्या है, उसके अंदर बैक्टीरियाज की ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देते, जिससे उसमें इन्फेक्शन नहीं फैलता। जनरली जैसे बीटाडीन वगैरह जो यूज करते हैं हम चोट लगने पर, वो एक तरह का एंटीसेप्टिक ही होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कुछ मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन हमने पढ़ी, देखिएगा, एंटासिड हमने पढ़ा, एंटीहिस्टामिन हमने पढ़ा, आपने एंटी डिप्रेसेंट पढ़ा, आपने पेन किलर्स पढ़ा, एंटीबायोटिक पढ़ा और एंटीसेप्टिक पढ़ा। अब आपको टिप्स पे याद होना हो जाना चाहिए कि एंटासिड मतलब जो एसिडिटी को खत्म कर दे, एंटीहिस्टामिन मतलब जो एलर्जी को कंट्रोल कर दे, एंटी डिप्रेसेंट या प्रशांतक का मतलब जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करे, पीड़ाहारी या पेन किलर मतलब जो पेन को खत्म कर दे, एंटीबायोटिक्स का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हमारी बॉडी के अंदर रोक दें, एंटीसेप्टिक का मतलब अगर हमें किसी तरह की चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, तो उस चोट वाली जगह के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, जिससे उस चोट वाली जगह पे इन्फेक्शन नहीं फैलता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये वहां पे रोक देती है, जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलता, ठीक है। तो ये हमने स्टडी की कुछ मेडिसिन। अब हम बात करते हैं बाइंडर्स की। बाइंडर्स का, जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया था कि बाइंडर का आप अगर मीनिंग पे जाएं तो बाइंडर का मतलब होता है जो चीजों को बांध दे, बांध के रखने वाला, ठीक है, टू बाइंड। बाइंडर का मतलब होता है यूज टू बाइंड, जो बांध करके रख दे। तो देखिए एक टैबलेट में अलग अलग अवयवों को एक साथ बांध करके रखते हैं, उनको हम कहते हैं बाइंडर्स। और बाइंडर्स जो होते हैं, जैसे प्राकृतिक बाइंडर्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नकारी होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि ये नेचुरली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होते। और कुछ नेचुरल बाइंडर्स हैं आपके, स्टार्च है, जिलेटिन है, बबूल है और पेड़ों से प्राप्त होने वाली गोंद है। तो इनको आप याद रखिएगा, कुछ बाइंडर्स हैं ये आपके, कुछ नेचुरल बाइंडर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने बात की थी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। ये जो चीज है ये आजकल लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिन लोगों को डायबिटीज का इशू है वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग एज फॉर प्रिकॉशन भी इसको यूज कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ हमारी एज इतनी हो गई है और फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की, किसी को फैमिली में पहले डायबिटीज है, जेनेटिक्स है हमारे, तो वो फॉर प्रिकॉशन, प्रिकॉशन के लिए कि बचाव के लिए कि मुझे डायबिटीज ना हो जाए, वो भी इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा गया मेडिकल साइंस में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव जो है वो उपचार से हमेशा बेहतर है। तो जितना आप बच सकें इन चीजों से कम डायबिटीज जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं आसानी से, तो आप बिल्कुल उससे बचिए, ठीक है।
ये जो एक बीमारी है, मैं कहूंगी डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है आजकल, इसको लाइफस्टाइल डिजीज आप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ जो हम बात करें नेचुरल स्वीटनेस की, तो वो क्या करते हैं, कैलोरी इंक्रीज करते हैं। कैलोरी इंक्रीज करने के साथ हम कहेंगे कि वो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। वो ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए ये जो लोग हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस का यूज करते हैं। इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस में क्या होता है कि मिठास तो होती है लेकिन कैलोरी यानी कि ग्लूकोज नहीं होता। क्या नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, और ये यूरिन के साथ एक्सक्रिएट भी हो जाती है। इट विल बी एक्सक्रिएटेड विद यूरिन, एक्सक्रिएटेड विद यूरिन। ठीक है, यूरिन के साथ इसका एक्सक्रिएशन भी हो जाता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो होते हैं दे आर स्वीट बट दे विल नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो होते हैं वो भी उतने ही मीठे होते हैं जितने आपके नेचुरल स्वीटनेस यानी आपके जो है शुगर और जैगरी होते हैं वैसे ही होते हैं, बट दे विल नॉट इंक्रीज द शुगर लेवल, दे विल नॉट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। ओके, सो दे विल नॉट अफेक्ट योर हेल्थ। इनके एग्जाम्पल्स हम कुछ लें, कुछ फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका सैकेरिन। सैकेरिन को कहते हैं ऑर्थो सल्फो बेंजेमाइड। ये जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित मदुरक है, सैकेरिन जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। देन है सुक्रोलोज। उसके बाद हम बात करें एस्पार्टम की। एस्पार्टम जो है वो अब तक का सबसे सफल स्वीटनर है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर है। देन हम बात करें एलिटेम की, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्वीटनर है। तो जिनको ज्यादा मीठा चाहिए और उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम भी है तो दे कैन यूज दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, दिस विल बी ए ब्लिस फॉर देम, एलिटेम। ठीक है, याद रखिएगा एलिटेम। तो ये हमने कुछ नेचुरल जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में पढ़ा। मैं फिर से बता दूं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो होते हैं वो उतने ही मीठे होते हैं जितने आपके नेचुरल स्वीटनर होते हैं। बस वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाते आपके ब्लड के अंदर। तो आपको अगर डायबिटीज का इशू है तो आपका डायबिटीज इससे प्रभावित नहीं होने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनेस के जो नाम हमने बताए हैं, सैकेरिन है, सुक्रोलोज है, एस्पार्टम है, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्वीटनर है वो है आपका एलिटेम। एलिटेम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य परिरक्षक, या हम इनको कहें फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्या कह सकते हैं हम इनको, फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, देखिए अभी मैंने इंट्रो में आपको बताया था थोड़ा सा। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो खाने की रक्षा करें। रक्षा किससे करें, सड़ने से बचाएं, बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर ना पनपने दें। सीधा सीधा यही इसका मतलब है। देखिए, ये खाद्य पदार्थों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर उन्हें खराब होने से बचाते हैं। दे विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। ओके, दे विल कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड एंड दे कैन सेव। ओके, एग्जाम्पल्स हैं इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल जो कॉमनली हम सबके घरों में यूज होता है वो है सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल। इसकी मैंने बात भी की थी, जैसे अचार वगैरह जो हम बनाते हैं उसके अंदर हम नमक डालते हैं, ऑयल डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं ताकि वो सड़े नहीं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम प्रिजर्वेटिव पढ़ रहे हैं दैट इज शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। वॉट इज हाइड्रोलाइसिस, वॉट इज हाइड्रोलाइसिस, इस टर्म को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता है वॉटर एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, या हिंदी में हम कहें विघटन, टूटना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करेंगे, उस फूड प्रोडक्ट्स में से जो उसका नमी वाला पोर्शन है, जो उसका मॉइस्चर है, उसको ये खत्म कर देंगे। मॉइस्चर को खत्म कर देंगे तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं होगा, और फेवरेबल कंडीशंस उसको अवेलेबल नहीं होंगी, अनुकूलन उसको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये क्या करते हैं, आपके शुगर, सॉल्ट और ऑयल क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। और हाइड्रोलाइसिस आपको मैंने बता दिया क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अगली हम बात करें तो वो है एंटीऑक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे? देखिए आप इस नाम से समझिए, एंटी और ऑक्सीडेंट, तो भैया ये तो समझ में आ रहा है इसका नाम पढ़ते ही कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करता होगा। एंटी है मतलब कुछ ना कुछ करेगा ऑक्सीजन के साथ गड़बड़। ये क्या करेगा? ऑक्सीकरण को रोकेगा, ऑक्सीडेशन को रोकेगा उस पदार्थ के और उन्हें खराब होने से बचा देगा। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हम भरते हैं चिप्स की थैली में, हमने पढ़ी थी विकृत गंधिता, तो हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था विकृत गंधिता क्या होती है और ये नाइट्रोजन जो है वो विकृत गंधिता को कैसे रोकता है। नेक्स्ट हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड की, तो आपकी जो अंगूरी शराब है, बियर है, चाशनी है, सब्जी का परिरक्षण, वेजिटेबल्स का प्रिजर्वेशन भी इसी से किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें BHT और BHA की, तो ये आपके मक्खन यानी कि बटर का प्रिजर्वेशन करने के काम आती है। किसका प्रिजर्वेशन? बटर का। नेक्स्ट है सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट, ये आपके करते हैं जैम का प्रिजर्वेशन। किसका करते हैं? जैम, जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हैं ना लाल लाल सा, वो जैम। ठीक है, जो पुरानी मूवीज में दिखाते थे कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और एक नाइफ से जैम लगाया जा रहा है, आजकल तो ऐसे सीन्स नहीं मिलते देखने को, ये उस लाइफस्टाइल का पार्ट हुआ करता था। तो जैम का परिरक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का। याद रखिएगा इन फूड प्रिजर्वेटिव्स को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। आपके नमक, चीनी और तेल यानी कि आपके सॉल्ट, शुगर और ऑयल का यूज किया जाता है मेनली जैसे अचार मुरब्बे वगैरह में। ये क्या करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। नेक्स्ट है आपके एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीकरण को रोकते हैं और फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है वो चिप्स की थैली में हम इसीलिए भरते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अंगूरी शराब, बियर, चाशनी और सब्जी का प्रिजर्वेशन करने में काम आती है, BHT एंड BHA मक्खन का परिरक्षण करने के लिए काम में आते हैं, आपके सार्बिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है और सोडियम बेंजोएट है, ये आपके जैम का प्रिजर्वेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बफर विलयन की बात करते हैं हम। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? देखिए हमने पीएच पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, पीएच स्केल जो सोरेंसन ने दी थी, पीएच स्केल क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक उस पर नंबरिंग होती है, 0 to 14 होती है, उसमें 0 to 14 में कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है और कौन सा जो होता है आपका विलयन न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है, उदासीन होता है। तो ठीक है, वो हम सारी स्टडी कर चुके हैं। अब बफर विलयन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन होता है जिनकी जो पीएच होती है ना, वो उसके अंदर आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, इट विल नॉट चेंज, इट इज स्टैग्नेंट, फिक्स रहती है, स्थायी रहती है, ये बदलती नहीं है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, एसिडिक एंड बेसिक। तो देखिए एसिडिक बफर जो होता है वो दुर्बल अम्ल और लवण से मिलकर के बनता है, यानी कि आपके वीक एसिड और सॉल्ट से मिलकर के बनता है, और आपका जो बेसिक बफर है वो आपके वीक बेस और सॉल्ट से मिलकर के बनता है। तो ये सॉल्ट जो इनके अंदर होता है ना, सॉल्ट जो इनके अंदर मिलाया जाता है, ये सॉल्ट ही वो कारण है जो इनकी पीएच को परिवर्तित नहीं होने देता, पीएच को स्टैग्नेंट रखता है। तो ये बात हो गई हमारे बफर सॉल्यूशन की। बफर का मतलब होता है जो बिफरे नहीं, जो चेंज ना हो, जो फैले नहीं, ठीक है, ये अपना जो पीएच है वो स्टैग्नेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें, आज का जो लास्ट जो पॉइंट है वो है उत्प्रेरक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम चाहे तो पूरी एक क्लास इसके ऊपर ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है बस इसका इतना सा ही पोर्शन है कि हम इसको थोड़ा सा बस इंट्रो कर लें कि उत्प्रेरक एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इतना ही है। तो हम इसको आज ले लेते हैं उत्प्रेरक, या इसको हम कहें कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, कैटलिस्ट का मतलब समझे सीधा सीधा, मोहल्ले में, कॉलोनी में दो आंटियां लड़ रही हैं, लड़ाई चल रही है उनकी, लेकिन बहुत जोर शोर से नहीं हो रही है। इतने में तीसरी वाली पड़ोसन को पता चला कि उन दोनों में बहस हो रही है, उसको लगा कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट मैं भी कर देती हूँ। वो आई, दोनों की जो लड़ाई हो रही थी, अब ये कहें उस लड़ाई में आग में घी डाल करके चली गई। दो चार बातें हल्के हल्के से उसने इस तरह की कि वो लड़ाई जो है वो युद्ध में बदल गई, और अब सारा मोहल्ला जो है वो तमाशा देख रहा है और उसका प्रतिफल जल्दी ही मिल रहा है, कहीं पुलिस आ रही है, कहीं कोई समझौता करवाने वाला रहा है। तो इस तरह से उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ गया। यही काम करता है हमारा उत्प्रेरक। देखिए कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ए और बी ये दोनों मिल करके आपके ए बी बनाने वाले हैं, इनकी स्पीड बहुत धीमी है, बहुत
स्लोली ये फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में हमने ये सी को भेज दिया। सी का मतलब हो गया कैटलिस्ट। सी कौन है? आपका ये कैटलिस्ट है। जैसे ही ये सी गया यहाँ पे, इस सी ने ऐसा चमत्कार किया कि इस अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ गई, और आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको जिस जितने समय में मिलता उससे बहुत जल्दी बहुत शीघ्र वो आपको प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका उत्प्रेरक। देखिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं अप्रभावित रहकर अभिक्रिया के पश्चात उसी रूप में रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके उत्प्रेरक। मैंने अभी आपको क्या समझाया? मोहल्ले की दो अंडियों में लड़ाई हो रही थी, तीसरी आई, आग में घी डाल करके चली गई, वो प्रभावित हुई? बिल्कुल नहीं हुई। लड़ाई बढ़ा गई, युद्ध में बदल गई, लेकिन खुद प्रभावित नहीं हुई। तो वही काम करता है हमारा ये उत्प्रेरक। किसी भी रिएक्शन में कूदेगा, उस रिएक्शन की दर को बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड, है ना, लेकिन खुद क्या रहेगा? बिल्कुल अप्रभावित रहेगा, खुद पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अभिक्रिया खत्म होने के बाद जैसा था वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा। ये उत्प्रेरक जो होते हैं क्रियाकारकों से क्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं जो अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? क्रियाकारक ए और बी, ए और बी दोनों से क्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देंगे। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं और वेग को बढ़ा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो कम ऊर्जा पर ही वो काम हो जाएगा, और उसका वेग यानी वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, आपको याद आ रहा हो तो, जो इस तरह से तीर से हम प्रदर्शित करते हैं जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना सकते हैं लेकिन उत्पाद वापस क्रिया करके क्या बना सकते हैं? अभिकारकों का निर्माण कर सकते हैं, वो होती हैं आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर को ये बढ़ा देते हैं। ये इस साइड में तो हो रही है, ये होती है अग्र अभिक्रिया और ये होती है पश्च अभिक्रिया। ये होती है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये होती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया तो वो केवल इस अभिक्रिया की दर को ही प्रभावित करेगा, वो इस बैकवर्ड रिएक्शन की दर को भी उतना ही प्रभावित करेगा। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही, बहुत कम मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में ही इनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण कर देते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प्लैटिनम है, निकल है, लोह चूर्ण है, और आपके आसपास कोई उत्प्रेरक उपस्थित हो आपके कॉलोनी में, आपके एरिया में, तो उस उत्प्रेरक को आप पहचानिएगा, उसको उदाहरण में आप याद कर लीजिएगा कि ऐसा एक उत्प्रेरक हमारे आसपास भी रहता है। ये सिर्फ एक जोक था, इस रिसर्च में मत लग जाइएगा, नहीं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो ये हमने पढ़ा उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, ये उत्प्रेरक का जो ये ग्राफ है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को तो ये घटा देगा, कम कर देगा, कम ऊर्जा पर, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, इसको इसने इंक्रीज कर दिया, और इसको जो आपकी रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको इसने बढ़ा दिया। रिएक्टेंट्स जो है अभिक्रिया करके जो बहुत हाई एनर्जी पर जाकर के भी प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहे थे, वो बहुत कम एनर्जी पर भी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कैटलिस्ट। अब ये देखिए, ये और समझ लीजिए, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मूविंग ऑन फॉर अनदर रिएक्शन। ये क्या करते हैं? कैटलिस्ट आपने यूज किया, कोई भी रिएक्शन है ना, कैटलिस्ट बॉन्डिंग टू रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, ये दो रिएक्टेंट है उनके साथ इन्होंने इस तरह से बॉन्ड बना लिया, ये आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट हो गया, ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हो गए। और जैसे ही अभिक्रिया हुई तो अब चल भाई, अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, प्रोडक्ट अलग और कैटलिस्ट महोदय अलग। तो ये हो गया आपका उत्प्रेरक। तो आज हमने जो पढ़ा वो आज हमने कुछ स्टडी किया कि कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले हमारे जो रसायन है उनके बारे में हमने पढ़ा। बहुत इजी सा टॉपिक है, मैं यूं कहूंगी बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है, छोटा सा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, इनको याद करना बहुत इजीली आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएंगे, तो आप इनको याद करिए। इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपको हो तो आप जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उसका रिप्लाई वहां पर मेरे द्वारा मिल जाएगा। और हमारी जो मीमांसा क्लासेस की जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है, जैसे ही आप मीमांसा क्लासेस को ओपन करेंगे आपको राइट हैंड साइड में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको ये जनरल साइंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगी, और उस प्लेलिस्ट में आपको ये हमारे 14 वीडियो
आपको पूरे के पूरे अवेलेबल मिलेंगे केमिस्ट्री के जो अब तक हमने अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को डाउनलोड करें, आप उनसे अपनी जनरल साइंस की तैयारी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। हमने इस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया है कि टू द पॉइंट चीजें आपके लिए प्रिपेयर करी हैं। फिर भी किसी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक, आज की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, कोई क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।